अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छी वेबसाइट जिसमें हम जो है वो रिमूव करेंगे बैकग्राउंड को। पिक्चर के अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि हम जाएंगे रिमूव डॉट बी जी में। यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट है रिमूव डॉट बी जी में, और यहाँ पर हम अपलोड करेंगे पिक्चर को जिसको हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ से मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ। देखिए मैंने अपने लोगों के सामने यहाँ पे एक पिक्चर ली, मैंने ले रहा हूँ मैं, सॉरी। इधर मैं कोई पिक्चर लेता हूँ, जैसे मैंने ये पिक्चर ली है अपनी, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। देखिए आपके सामने ये बैकग्राउंड आ गया, अभी बैकग्राउंड आ गया, और ये आपकी जो ये ओरिजिनल पिक्चर है इसको अपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब ये सेव हो गई है PNG फॉर्मेट में। PNG फॉर्मेट का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको जो है वो कहीं भी उठा के सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, लेकिन इसको हम सेव करेंगे PNG फॉर्मेट में। यहाँ पे ये PNG फॉर्मेट में सेव होगी, और यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, माई पिक टू रिमूव प्रीव्यू दिया हुआ है इसमें, हमें रिमूव पीजी लिख देते हैं, और इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखिए बैकग्राउंड जो है उसका बिल्कुल ही डिलीट हो गया, इरेज हो गया। इसको हम इस तरह से जो है वो कहीं भी ले सकते हैं। आपके सामने दिखाता हूँ मैं, जैसे ये मेरी पिक्चर है, देखिए ये सामने इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव आ रहा है, सिर्फ जो है वो पिक्चर आ रही है और इसके पीछे जो है बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है। तो इस तरह से हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं इसको किसी फाइल में लेता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, थोड़ा सा वेट लगेगा इसमें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे ये सामने मेरी फाइल खुल गई है, मैंने इसको फाइल खोली, कोई सी नई फाइल ले लेता हूँ मैं, और इधर मैं इसको यहाँ पे ले लूंगा। आपके सामने फाइल आ गई। अब मैं इसको सेव यहाँ से जहाँ से मैंने रखी थी वहाँ से मैं इधर ले आता हूँ, डेस्कटॉप पे रखी थी मैंने, ये रही पिक्चर, ये देखिए आपके सामने आ गई, और इसका ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। अब इसको मैं कहीं भी जो है थंबनेल में भी डाल सकता हूँ, इसके अलावा और भी किसी जगह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।